जो पुलिस की एक्शन है, एक गलत एक्शन हम समझते हैं। और हमारा इसमें कहते हैं कि मैं समझू किसी के खिलाफ पुलिस को शक हो तो पुलिस अपना काम कर सकती है, और काम करे तो उन्हें दो बातें, तीन बातें हमारी जीवन की है। एक, जिसको अरेस्ट किया उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने खड़े करो, उनको इलीगल डिटेंशन मत करो। नंबर टू, इसको इमीडिएट चार्ज ठीक है। नंबर तीन, फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने वो केस है, क्योंकि मालेगांव में जब लड़के पकड़े थे तो जिस बारे में मैंने खुद स्टेज पे किया था अलीबाग से आज नहीं पाँच छः साल पहले, कि मैं इस पर भरोसा नहीं रखता कि जुम्मा के दिन मुस्लिम समाज के लड़के मस्जिद में जाकर वॉक शो करेंगे, ऐसे मुझे लगता नहीं। ये जब मैं स्टेटमेंट दे रहा जैसा नंतर त्याची चौकशी वेगळ्या पद्धतीने झाली आणि कोण लोक पुराने माहिती, पण त्यावेळी जी मुस्लिम मुलं असं मिळाली होती त्याची सुटका झाली, त्यांची सुटका 8 वर्षांनी झाली, म्हणजे त्यांचा अनुयोग बसतो। आणि हे होता का बने म्हणून मला त्याच्यातलं काही सांगितलं की आमचा आग्रह याच्यातले कुणी चुकीचं काम केलं असेल तर ॲक्शन तुमच्या घ्यायचा अधिकार आहे, त्याच्यात आम्ही हस्तक्षेप करते। ॲक्शन तुम्ही घेतली तर मॅजिस्ट्रेट 24 तासात प्रोड्यूस करा, लवकरात लवकर चार्जशीट द्या आणि फास्ट ट्रॅकवर या कोर्टात त्याच्या केसचा निकाल करा।